हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी क्लास अनुभव रवि के मैथ्स में। तो दोस्तों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान कक्षा नंबर 8, प्रश्नावली नंबर 1, परिमेय संख्या। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है इस प्रश्नावली का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट का ही क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। परिमेय संख्या 5/7 को, 5/7 को -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5/7 को -7/15 के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा होता है कोई संख्या, जैसे मान लो 1/ कोई 2 संख्या दे दी गई है। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2/1 हो जाएगा। या 4/3 कोई संख्या दे दी गई है, इसका व्युत्क्रम बताओ। व्युत्क्रम होता है 3/4, यानी कि जो संख्या दे दी जाती है ना, उसका उल्टा। अब हमें दी गई है -7/15, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 15/7 और माइनस। अब हम क्या करेंगे, देखो, परिमेय संख्या 5/7 को -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा, यानी कि गुणा करना है किसके व्युत्क्रम से? माइनस के 7/15 के व्युत्क्रम से। तो माइनस के 7/15 का व्युत्क्रम क्या होगा? 15/-7। तो दोस्तों देखो, अब देखो, 7 को 7 से गुणा करो, क्या आएगा? 49, और वो भी किसका? माइनस का। 15 को 5 से गुणा करो, 15 × 15, 15 × 2 = 30, 3 × 45, 4 × 60, 5 × 75। तो आपका आंसर क्या आया? 75/-49। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, व्युत्क्रम से गुणा करना है। व्युत्क्रम क्या होता है? किसी संख्या का उल्टा। किसके व्युत्क्रम से? माइनस का 7/15। अब माइनस के 7/15 का व्युत्क्रम क्या होगा? 15/7, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। किसके साथ गुणा करना है? 5/7 के साथ इसको गुणा करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं अगले महीने में आने वाली है, तो दोस्तों मेरे आपसे गुजारिश है कि प्लीज यार हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जरूर लाइक कर दो, अपने कॉपियों में साथ साथ में नोट जरूर करते रहो। तो मिलते हैं अगले कॉन्सर्ट में, तब तक के लिए बाय। देखते रहे हमारे चैनल अनुभव रवि के मैथ्स को।